मैंने मोहब्बत की है तुझसे, लड़कर कहां ही जाऊंगा। तूने मनाया तो ठीक, नहीं तो मैं मनाऊंगा। आज के प्यार की कहानी बहुत ही ज्यादा अलग और अनोखी है। आजकल प्यार किसी से भी हो सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, या दोनों लड़कियां ही हों या दोनों लड़के ही। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आजकल ये कॉमन है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही स्टोरी बताने वाले हैं। इन्हें देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लड़की है या लड़का। दोनों कपल्स वीडियोस बनाते हैं और इन दोनों की वीडियोस भी काफी वायरल होती हैं। और इस सब अगर लड़की है तो लड़के की तरह क्यों रहते हैं? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके बारे में सब कुछ। दो लड़कियों के प्यार और शादी की कहानी बहुत ही ज्यादा अलग और अनोखी है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऋषभ और शिवानी की लाइफ स्टोरी से लेके सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी के बारे में, और साथ ही बताएंगे इनकी लाइफ के सारे सीक्रेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सायरा। कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऋषभ का फुल नेम ऋषभ खान है और प्यार से लोग इन्हें छोटा नवाब कहकर बुलाते हैं। 7 जनवरी 2003 को कोटा राजस्थान की एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर छोटा नवाब के नाम से फेमस हैं। ऋषभ की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा एक भाई और एक बहन है। ऋषभ की फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है और इनकी हर डिसीजन में इनके साथ होती है। ऋषभ का जब जन्म हुआ था तो नॉर्मल लड़कियों की तरह हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए और इन्हें एहसास हुआ कि अंदर से कुछ और है और नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है। ऋषभ को बचपन से ही लड़कों की तरह रहना पसंद था, वो लड़कों की तरह ही रहते हैं। ऋषभ ने अपने दिल की सुनी और लड़कों की तरह रहना स्टार्ट कर दिया और बाहर से भी अपने आप को लड़के की तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन जब आप ऋषभ की आवाज़ सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इनकी आवाज़ तो लड़कियों वाली है। तो मेरे हिसाब से ऋषभ के लिए लड़की या लड़का वर्ड यूज ना करके टॉमबॉय वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऋषभ की स्टडी की बात करें तो ये एवरेज स्टूडेंट थे और इन्हें पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ऋषभ ने सोच लिया था कि उन्हें अपने करियर में कुछ और ही करना है। और इसके बाद ऋषभ ने जब टिकटॉक का नाम म्यूजिकली था तभी से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। 2018 में ऋषभ ने अकेले काफी सारे वीडियोस बनाए, लेकिन उनकी वीडियोस पर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। और इसके बाद ऋषभ ने एक कपल वीडियो शिवानी के साथ अपलोड किया, जो रातों रात काफी तेजी से वायरल हो गया। और फिर ऋषभ ने शिवानी से कहा कि क्या वो उनके साथ वीडियोस बनाएंगी, तो शिवानी ने भी हाँ कर दी। फिर दोनों साथ में कपल वीडियोस बनाने लगे और इनकी वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गई। कम ही समय में इनके टिकटॉक पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे। पर इसके बाद टिकटॉक बैन हो गया। फिर ऋषभ और शिवानी ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्वाइन कर लिया और इन पे वीडियोस बनाने लगे। इनकी वीडियोस काफी तेजी से वायरल होती हैं और लोग इनकी जोड़ी को काफी पसंद करते हैं। ऋषभ और शिवानी के प्यार की कहानी जानने से पहले जान लेते हैं कुछ शिवानी के बारे में, और साथ ही आपको ये बताएंगे शिवानी हिंदू से मुस्लिम क्यों बनी और शिवानी को एक टॉम बॉय से प्यार कैसे हो गया। शिवानी का फुल नेम साइना खान है। 23 मार्च 2001 को राजस्थान कोटा की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर साइना खान के नाम से फेमस हैं। शिवानी की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा दो बहनें और एक भाई है। शिवानी की स्टडी की बात करें तो इन्हें पढ़ाई में स्टार्टिंग से ही कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इन्होंने 10th तक की पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद पढ़ाई बंद कर दी। ऋषभ और शिवानी कोटा राजस्थान के महावीर नगर से ही बिलोंग करते हैं और दोनों का घर पास ही पास है। शिवानी और ऋषभ पड़ोस में रहने की वजह से दोस्त बन गए और एक साथ घूमने फिरने लगे। जब ऋषभ ने शिवानी से कहा कि वो उनके साथ वीडियोस बनाएंगी, तो शिवानी ने हाँ कर दी और दोनों वीडियोस बनाने लगे। इनकी कपल वीडियोस काफी तेजी से वायरल होती हैं और लोग इनकी जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। धीरे धीरे शिवानी और ऋषभ को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया।
और जब ऋषभ ने शिवानी को प्रपोज किया तो शिवानी ने तुरंत हाँ कर दी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। शिवानी और शिवानी की फैमिली को ये बात पता थी कि ऋषभ एक टॉम बॉय है, फिर भी शिवानी ऋषभ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन शिवानी की फैमिली को ऋषभ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और जब शिवानी की फैमिली को ऋषभ और शिवानी के रिलेशन के बारे में पता चला तो शिवानी की फैमिली ने उन्हें बहुत डांटा और ऋषभ से मिलने से मना कर दिया। किसका है ये तुमको इंतजार में? लेकिन शिवानी ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें ऋषभ के साथ ही रहना है और शिवानी अपनी पूरी फैमिली छोड़कर ऋषभ के साथ रहने लगी और अपने प्यार की खातिर अपनी फैमिली और अपने धर्म को भी बदल दिया और हिंदू से मुस्लिम बन गई और अपना नाम शिवानी से बदलकर साइना खान रख लिया और ऋषभ के साथ कहीं और जाकर रहने लगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिवानी ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं शिवानी और ऋषभ की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में। शिवानी की इंस्टाग्राम आईडी मिसेस साइना खान के नाम से है और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 664 के फॉलोअर्स हो चुके हैं और ऋषभ की इंस्टाग्राम आईडी ऋषभ खान के नाम से है, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 398 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है छोटे नवाब के नाम से, जिस पर 903 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। शिवानी और ऋषभ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के लिए स्टाइलिश फोटोज और वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और इनके फैंस भी इन्हें बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जिद है इस दिल की, वरना इन आँखों ने और भी हसीन चेहरे देखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। शिवानी और ऋषभ आपको कैसे लगते हैं और अपने प्यार की खातिर अपनी फैमिली और अपने धर्म को परिवर्तन करना सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। शिवानी ने प्यार की खातिर अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया और धर्म का परिवर्तन कर लिया। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सबके कमेंट्स को रीड करती हूं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अपनी राय देंगे। थैंक यू गाइस। मैंने मोहब्बत की है तुझसे, लड़कर कहां ही जाऊंगा? तूने मनाया तो ठीक, नहीं तो मैं मनाऊंगा।